अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा शाहिद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम मेड मायोनीज़ की रेसिपी। मायोनीज़ घर में बहुत ही इजी और आसान है बनाना, 5 मिनट में ये बन जाती है और बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बच्चों को कोशिश करें कि घर की मायोनीज़ दें, क्योंकि होम मेड मायोनीज़ से गला ख़राब नहीं होता। हम बच्चों को ईज़ीली जितना बच्चा खाना चाहे हम उसे दे सकते हैं, मगर जो बाज़ार की पैकेट वाली मायोनीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और खटास होती है, जिसकी वजह से बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। और घर की मायोनीज बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही इजी है, जिसकी वजह से आप उसको बनाकर आराम से 15 दिन तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। तो इसके लिए मुझे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए: 2 eggs, 1/4 ब्लैक पेपर और 1 tablespoon है मेरे पास सिरका विनेगर, 1 teaspoon है शुगर चीनी, और 1/4 है मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से चेक कर कम ज़्यादा कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कम ही यूज़ किया है ताकि मैं उसको बाद में एडजस्ट कर सकूँ। और ऑयल यूज़ करूँगी मैं 2 cups। तो इसको किस तरह बनाना है आइए मैं आपको बताती हूँ। जग आपने लेना है, जूसर जग। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी जो जिसमें हम चॉप करते हैं पॉट टाइप का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए आज जिसमें बना रही हूँ हैंड बीटर से नहीं बना रही, इलेक्ट्रिक बीटर से, ताकि आप लोगों को इजीली आप बना सकें, क्योंकि हर घर में हैंड बीटर्स नहीं होते, मगर जग हर सबके पास अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए मैं ये रेसिपी अपनी जग में बना रही हूँ। इसमें डालूँगी सबसे पहले मैं ये अंडे और चीनी और नमक और ये ब्लैक पेपर और सिरका, ये सब मैंने ऐड कर दिया। अब देखें मैं इसको करूँगी हल्का सा स्टार्ट। अब मैं इसमें हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का कतरा कतरा ऑयल ऐड करती रहूँगी। आप इस देख मेथड देखते रहिए। ये देखें मैंने इसमें ऑयल डालकर इसको बीट करते रही मैं, तो ये देखें कितनी क्रीमी और थिक बनी है। ये इतनी थिक हो गई है कि ग्राइंडर भी अब नहीं चल रहा था, बिल्कुल जाम हो रहा था। ये बहुत ही थिक हो चुकी है, देखें बिल्कुल। अब मैं इसे निकाल लूँगी और एक पॉट में भरकर इसको रख लूँगी फ्रिज में। ये देखें दोस्तों, आज की मायोनीज़ रेडी है और बाकी मैंने जो है इस तरह के जार में इसको भर रख लिया है। इसको मैं 15 या 20 days तक फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। आप ये देखिए, ये 500 ml बॉटल है जो कि मेरी तकरीबन फुल हो चुकी है, क्योंकि इसमें से मैंने इस कटोरी में भी निकाल ली है। तो 500 ml की बॉटल जो है आपकी 2 eggs की रेसिपी से कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने टोटल यूज़ किया है 2 eggs और 200 ml ऑयल। 200 ml ऑयल का मतलब है कि 1 पाव तेल से भी कम हमारा तेल इसमें यूज़ हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।